हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ फाइल्स एंड फोल्डर के लिए बेसिक सीएमडी कमांड्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करेंगे, यहाँ सिंपली आपको सर्च में लिखना है सीएमडी और हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करेंगे। अगर आप रन एज एडमिन करेंगे तो आपके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस होंगे किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको इजीली रन एज एडमिन कर देते हैं। तो यहाँ से हमें ये अलाउ करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ यस कर देते हैं। तो इस तरह से ये कमांड प्रॉम्प्ट का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आप नॉर्मली सीएमडी करके ओपन करेंगे तो ये लोकल यूज़र में खुलेगा डायरेक्ट, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है बट यहाँ पे एडमिन मोड नहीं है। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ कमांड्स दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पाथ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पाथ है C:\Windows/System32। तो अगर हम यहाँ पे विंडोज़ का फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि अभी ये पाथ System32 विंडोज़ के अंदर जो फोल्डर है उसका पाथ है। तो हम यहाँ पे हमें पाथ डेस्कटॉप पे लाना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप पे कैसे आप स्विच करेंगे, कैसे पाथ को चेंज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सिंपली आपको टाइप करना है cd, ये कमांड है एक्चुअली। cd स्टैंड्स करता है चेंज डायरेक्टरी के लिए। तो यहाँ पे आप cd स्पेस करेंगे, C:\Backslash करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप यूज़र्स टाइप करने के बाद यहाँ पे /Backslash अगेन लगाने के बाद यहाँ पे जो मेरा टेक यूज़र है तो यहाँ यूज़र का नेम आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा टेक और मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पाथ चेंज हो गया है, अभी भी ये डेस्कटॉप पे नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टेक तक किया है सिर्फ। अगर मुझे, अब मान लीजिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आपको डेस्कटॉप पे भी आना है तो कैसे आना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, मान लो उस किस पाथ पे जाना है, तो यहाँ पे आपको cd स्पेस डेस्कटॉप जैसे ही आप लिख के एंटर करेंगे, अब आप फाइनली यहाँ पे डेस्कटॉप पे एंटर कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली एक कमांड लिखना है md स्पेस, जैसे मान लीजिए मैं न्यू करके एक फोल्डर बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने न्यू करा तो ये आप देखेंगे यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसको रीनेम करना, तो रीनेम करने के लिए भी कमांड है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ren rename। तो यहाँ पे लिखना है आपको न्यू जो अभी आपका करंट फोल्डर का नेम है और स्पेस। तो यहाँ स्पेस करने के बाद जो आप फोल्डर का नेम चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोल्डर और जैसे ही एंटर करूँगा तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये फोल्डर का नाम चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप फोल्डर को रीनेम भी कर सकते हैं बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। अब हम चाहते हैं इस फोल्डर को डिलीट करना, तो डिलीट करने के लिए कमांड है rd। rd स्टैंड करता है रिमूव डायरेक्टरी। यहाँ पे rd लिखने के बाद स्पेस करना है और फोल्डर का नेम। तो जैसे आप फोल्डर का नेम यहाँ पे डाल के एंटर करेंगे तो आप सिंपली देखेंगे फोल्डर रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप फोल्डर को क्रिएट, उसका रीनेम और उसको डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस एक फोल्डर को मतलब एक फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली सेम कमांड है md स्पेस, यहाँ पे न्यू फोल्डर का नाम दे देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि न्यू के अंदर मैं एक टेस्ट का फोल्डर बनाऊँ, तो उसके लिए आपको बैक स्लैश लगाना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट। अब मैं चाहता हूँ टेस्ट के अंदर भी मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो अगेन आपको बैक स्लैश पुट करना है और यहाँ पे test1 करके एंटर करते हैं। तो देखते हैं कि ये फोल्डर क्रिएट होता है। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये न्यू एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो न्यू के अंदर हमने बनाया था टेस्ट, ठीक है, टेस्ट बन गया है। टेस्ट के अंदर हमने test1 एक फोल्डर क्रिएट करा था। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मल्टीपल आप एक ही कमांड से कितने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये था हमें फोल्डर क्रिएट करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब किसी ड्राइव में कैसे जाते हैं। जैसे अभी हम मान लीजिए अभी हम सी पे वर्क कर रहे थे, अब मैं चाहता हूँ जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खोलता हूँ this pc, अब मुझे जी ड्राइव के अंदर जाना है, ठीक है। तो जी ड्राइव के एंटर करने के लिए आपको सिंपली जी लिखना है और कॉलन करना है। ये जी जो है आपके ड्राइव का लेटर होना चाहिए। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप जी के अंदर आ गए। अब मैं आपको एक कमांड दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए अब हम यहीं से ही देखना चाहते हैं कि जी के अंदर कौन कौन से ड्राइव्स हैं। तो ड्राइव को देखने के लिए आपको सिंपली कमांड करना है
DIR, जो DIR आप करके एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी कितनी डायरेक्टरी उस ड्राइव के अंदर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो डायरेक्टरी मीन्स दो फोल्डर अवेलेबल हैं, जो फोल्डर के नाम से है और एक टेस्ट के नाम से है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर का आपको कैसे एंटर करना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे टेस्ट ड्राइव के अंदर जाना है, टेस्ट फोल्डर के अंदर जाना है, तो सिंपली CD स्पेस TEST टेस्ट करेंगे। तो अब टेस्ट के अंदर हम एंटर कर गए हैं, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं पाथ चेंज हो गया, GE के बाद हम टेस्ट के अंदर आ गए हैं। तो अब आप चाहते हैं कि टेस्ट के अंदर भी हम कैसे देखें, क्या देखें कि कौन कौन से फोल्डर है, तो अगेन हम DIR कमांड ही चलाएंगे और अगेन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक न्यू फोल्डर का एक और फोल्डर मिल गया है, तो इसके अंदर भी हम एंटर कर जाते हैं CD स्पेस न्यू फोल्डर। तो अगेन हम न्यू फोल्डर के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं फिजिकली। तो हम यहाँ पे अगेन दिस PC में जाएंगे, GE के अंदर गए, यहाँ पे ठीक है हमारा टेस्ट फोल्डर था और उसके अंदर ये हमारा न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर के अंदर हमारी कुछ डेटा है, जैसे मान लीजिए PDF फाइल है और एक टेस्ट फाइल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किसी फाइल को भी कैसे रीनेम कर सकते हैं, जैसे उसके लिए आपको एक कमांड चलाना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे रीनेम करना है किसी फाइल को। तो यहाँ पे हमें सिंपली REN लिखना है। अब फाइल रीनेम करने के लिए आपको उसका एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। फाइल रीनेम सिंपली ऐसे नहीं हो सकता है कि हम सिंपली कमांड चला दें और फाइल नेम चेंज हो जाएगी, उसके लिए आपको एक्सटेंशन पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये REN कर दिया मैंने रीनेम के लिए, और मुझे सर्वर जो है ये एक PDF फाइल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर्वर। तो आपको एक्सटेंशन टाइप करना पड़ेगा, .PDF एक्सटेंशन हुआ, और किस नेम में आप इसको रीनेम करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर न्यू के नाम से, और अगेन मुझे PDF लगाना पड़ेगा .PDF। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्वर न्यू के नाम से ये फाइल रीनेम हो गई है। तो इस तरह अब इसको टेस्ट को भी डॉक्यूमेंट जो हमारा एक टेस्ट डॉक्यूमेंट है इसको भी रीनेम करके देख लेते हैं। अगेन आपको REN कमांड रखना है TEST। अब जो नोटपैड की फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है .txt होता है, तो ये हमारी txt होगी, और इसको हमें चेंज करना है test1 के नाम से। तो test1 लिखेंगे और .txt और एंटर करेंगे। तो अगेन आप सिंपली देख रहे हैं यहाँ पे ये रीनेम हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने कि आपको बताया कि कैसे आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और इवन आप कैसे पाथ चेंज कर सकते हैं, किसी ड्राइव में कैसे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये आप कुछ कमांड्स बेसिक हैं जो आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।